नमस्कार, शुभ संध्या। प्रस्तुत है जीएस न्यूज इवनिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के प्राइम टाइम का। आइए नजर डालते हैं सर्वप्रथम बिहार के कुछ बड़ी खबरों पर। पटना में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश, युवक की मौसी की डेंगू से हुई थी मौत, डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर रविवार दोपहर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को बचाया और पानी डालकर आग बुझाई। सीएम हाउस के बाहर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस तुरंत युवक को लेकर पीएमसीएच पहुंची, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर आई। युवक का हाथ और पैर जल गया है। युवक की मौसी की करीब 4 महीने पहले डेंगू से मौत हो गई थी। उसने पीएमसीएच प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीर बहोर थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वासन दिया था कि जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। युवक का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उसके केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछले 3 महीने से थाना और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। खगड़िया, पूर्वी ठाठा गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेगूसराय DIG राजेश कुमार पहुंचे खगड़िया। पूर्वी ठाठा गांव पुलिस छावनी हुआ तब्दील, मानसी थाना इलाके का मामला। छपरा, यूपी से पानी के टैंकर में छुपाकर लाई जा रही 16 लाख की शराब जब्त। छपरा में उत्तर प्रदेश से पानी के टैंकर में छुपाकर लाई जा रही 16 लाख रुपए की शराब को छपरा पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने शराब के साथ टैंकर चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लाइनर रसूलपुर थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी कुणाल कुमार सिंह है, और जबकि टैंकर चालक अलीगढ़ के इंदिरा कॉलोनी के सोनू कुमार को बताया जा रहा है। बोधगया में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। गया में श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय महिंद्र राजपक्ष का 10 फरवरी 2020 को बोधगया में आगमन होना है। प्रधानमंत्री श्रीलंका के साथ उनके 2 मंत्री एवं 1 सांसद सहित कुल 20 सदस्यीय दल का आगमन होगा। प्रधानमंत्री श्रीलंका के आगमन के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था एवं उनके स्वागत के संबंध में संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी अभिषेक सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। बेगूसराय, तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर। बिहार के बेगूसराय जिले में रविवार सुबह तेज रफ्तार कंटेनर ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के मालती चौक के पास NH 28 पर हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी लोग मधुबनी के कटीपट्टी के रहने वाले हैं। भागलपुर पीरपैंती के बसंतपुर में लगी भयानक आग से कई घर जलकर राख। पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बसंतपुर गांव में अचानक आग लगने से लगभग 20 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि कई घरों के लोग माघी पूर्णिमा के अवसर पर पूजा पाठ एवं मेला देखने बाहर गए हुए थे। इसी बीच एक घर में आग लग गई। आज हवा काफी तेज बह रही थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई घरों को अपने आगोश में ले गई। कटिहार में बारसोई में कस्टडी में मौत की अफवाह पर जमकर बवाल, थाने पर हमला कर पुलिस जीप जलाई। कटिहार पुलिस हिरासत में चोरी के आरोपी की मौत की अफवाह के बाद शनिवार शाम ग्रामीणों और आरोपी के परिजनों ने बारसोई के आबदपुर थाने में 3 घंटे तक उत्पात मचाया। भीड़ ने पुलिस जीप में आग लगा दी और थाने में तोड़फोड़ की, कई कागजात भी फाड़ दिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 5 राउंड हवाई फायरिंग की। जानकारी के अनुसार आबादपुर थाने के लगुआ निवासी वार्ड 9 के सदस्य 45 वर्षीय मोहम्मद मोहसिन पर चोरी का प्राथमिकी है। पुलिस उसे शनिवार शाम करीब 4 बजे पकड़कर थाने लाई। पूछताछ के दौरान जब सख्ती बरती गई तो मोहसिन नाटक करते हुए बेहोश हो गया। पुलिस जब अस्पताल ले जाने लगी तो अफवाह फैल गई कि पिटाई से मोहसिन की मौत हो गई है। इसी पर सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और उत्पात मचाने लगे। किशनगंज में टीचरों का अनशन जारी, 3रे दिन SDM सहनवाज नियाजी ने आंदोलनकारी टीचरों से की मुलाकात। बताते चले कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का संस्थानिक अटेंडेंस में फिक्सेशन करवाने के लिए आज लगातार 3रे दिन अनशन पर बैठे हुए हैं। सहरसा में नहीं थम रहा भैंस चोरी की घटना, 3 को किया गया गिरफ्तार। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के बैंगहा गांव में देर रात 3 चोर आए तो ग्रामीणों का भैंस चुराने, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से भैंस चुराकर भाग रहे
तीन चोरों को पकड़ लिया गया और फिर तीनों को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। जैसे जैसे खबर गांव में फैली, गांव काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि तीन चोर एक पिकअप वाहन से आए थे और ग्रामीणों की दो भैंस खोलकर पिकअप में लाद कर ले जा रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों की जब नज़र पड़ी तो तीनों चोर को पकड़कर बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह तीनों आरोपियों को भीड़ के चंगुल से किसी तरह बचाकर अपने साथ ले गई। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं मामले में जिले के एसपी राकेश कुमार ने कहा कि भैंस चोरी के मामले में तीन लोगों को जन सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। एक पिकअप वाहन और चोरी की दो भैंस बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी मधेपुरा जिले के हैं। फिलहाल सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। वहीं बताते चले कि भैंस चोरी की घटना सहरसा में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पशुपालकों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। सहरसा में झपटमारी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने और झपटमारी करने वाले गिरोह के दो बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक छिनतई की गई मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। धन्यवाद। किसी भी तरह के समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9709894194 9709894194।